हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू शांति गुंज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ योर इंग्लिश वीडियो। इन इंग्लिश वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू लेसन, लेसन 15, द क्लोजन वॉर। नाउ फर्स्टली यू ओपन योर बुक। इन योर बुक पेज नंबर 102, ओके, लेसन 15, द क्लोजन वॉर। क्लोजन वॉर मतलब कि क्लोजन की लड़ाई। तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। द किंग ऑफ स्पार्टा टेंड्रियस हैड अ डॉटर नेम्ड हेलेन हु ग्रो अप टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वीमेन इन द वर्ल्ड। राजा थे टेंड्रियस, द किंग ऑफ स्पार्टा, जो कि राजा थे स्पार्टा के, उनकी बेटी का नाम था हेलेन, जो कि वह इसी महल में बड़ी हुई थी कि वो सबसे सुंदर राजकुमारी है इस संसार में, सबसे सुंदर, उससे सुंदर कोई भी नहीं है। मैनी ग्रीक प्रिंसेस केम विद रिच गिफ्ट इन द होप ऑफ मैरिंग हर। बहुत सारे ग्रीक के राजकुमार आए और गिफ्ट लेकर आए कि इसको शायद वो शादी कर ले, लेकिन उन्होंने शादी के लिए तैयार नहीं थी। हाउएवर हेलेन शो हर प्रिफरेंस बाय क्रोइंग प्रिंस मेनेलस विद अ व्रत एंड एक्सेप्टिंग हिम एज हर हस्बैंड। लेकिन उसने जो था कि किसी और को ना ध्यान देकर, जो थे राजकुमार मेनेलस, उनको देखा, उनको पसंद किया और उनके गले में वरमाला डाल के उनको एज अ हस्बैंड की तरह उनको एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि स्वीकार कर लिया पति के रूप में। आफ्टर टेंड्रियस डेथ मेनेलस बिकम द किंग ऑफ स्पार्टा। जब टेंड्रियस की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, उसके बाद में मेनेलस वहां के किंग स्पार्टा के राजा बन गए। पेरिस वॉज द सन ऑफ प्रायम द किंग ऑफ ट्रॉय। पेरिस जो कि प्रियम के राजा थे और प्रायम के बेटे थे और ट्रॉय के राजा थे। ही वॉज नोन टू बी एन एक्सीलेंट जज ऑफ ब्यूटी। और वो किस नाम काम से जाने जाते थे, क्योंकि उनको ब्यूटी की बहुत पहचान थी, सुंदर कौन होता है अच्छा, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से बखूबी पहचान सकते थे। वंस इट सो हैपेंड दैट अ गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड एरिस थ्रू अ गोल्डन एप्पल मार्क फॉर द फेयरेस्ट अमंग द गॉडेस। एक समय की बात है, एक टाइम की बात है, जो एरिस थे, जो कि इस बात की राजा थे, कि उन्होंने एक गोल्डन एप्पल यानी कि सुनहरा सेब को फेंका और कहा ये सेब उसको मिलेगा जो कि सबसे सुंदर, फॉर द फेयरेस्ट, जो सारी सुंदरियों में सबसे सुंदर होगी राज देवियों में, उसको मिलेगा। ईच ऑफ द थ्री गॉडेस हेरा एथेना एंड एप्रोडिट विश टू बी चूजन एज द फेयरेस्ट गॉडेस। तो वो तीनों देवियां जो थी, हेरा थी, एथेना थी, एप्रोडिट, वो चाहती थी वो जो जो एप्पल है वो उनको मिले, मतलब सबसे सुंदर उनको चुना जाए। द किंग ऑफ गॉड ज्यूस रिफ्यूज टू चूज द विनर अमंग देम एंड एडवाइज देम टू आस्क पेरिस। लेकिन जो ज्यूस था, जो कि उनका राजा था, देवताओं का राजा था, उसने इस बात को मना कर दिया, कह दिया कि मैं नहीं चुनूंगा कि कौन सबसे सुंदर है। अगर ऐसे ही चुनना है तुमको, अगर फैसला चाहिए तो तुम एक काम करो, तुम पेरिस के पास चले जाओ और पेरिस बता सकेंगे सबसे सुंदर कौन है। पेरिस डिसाइडेड टू गिव द गोल्डन एप्पल टू एप्रोडिट बिकॉज शी प्रॉमिस टू हेल्प हिम विन द लव ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, हेलेन वाइफ ऑफ मेनेलस। तो पेरिस ने क्या किया, पेरिस ने डिसाइड किया ये जो गोल्डन एप्पल है, ये सुनहरा एप्पल है, मैं एप्रोडाइट को दूंगा। क्यों दूंगा, क्योंकि उसने उससे वादा किया था, उससे कहा था जो हेलेन है, जो मेनेलस की वाइफ है, तो उसने मेनेलस जो हेलेन की वाइफ है उसका वो दिल जीत कर दिखाएगी। तब दिस हस्बैंड ऑफ पेरिस एंग्रेड हेरा एंड एथेना। तो जो पेरिस का ये डिसीजन था, जो फैसला था, वो हेरा को एथेना को पसंद नहीं आया, वो उस बात से नाराज हो गई। दे हैंड सेट ऑफ टू प्लान टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉय। तब उन्होंने फैसला लिया, डिसाइड किया कि इन्होंने हमको तो चुना नहीं है, अब हम क्या करेंगे, हम जो ट्रॉय है उसको खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, उसको हम विनाश कर देंगे। इन द मीन वाइल पेरिस ट्रेवल टू स्पार्टा एंड किंग मेनेलस एंटरटेन हिम इन द पैलेस। और इस बात को पूरा करने के लिए जो वो था, पेरिस था, वो स्पार्टा पहुंचा और जो वहां के राजा थे मेनेलस, उन्होंने उनका स्वागत किया और अच्छे से उनका बहुत ज्यादा अभिवादन किया। एज प्रोमिस बाय एप्रोडाइट द ब्यूटिफुल हेलेन फेल इन लव विद द हैंडसम पेरिस एंड शी एलॉप्ट विद हिम टू ट्रॉय। और जैसे कि उन्होंने एप्रोडाइट ने वादा किया था उनसे पेरिस के साथ में, वो हेलेन के साथ उनके प्यार में पड़ गई और उन्होंने उनके प्यार में पड़कर सब कुछ छोड़ दिया, ट्रॉय को भी छोड़ दिया। द आउटरेजेस डीड एंड्रेस डिड किंग मेनेलस एंड द ग्रीक्स। और इस बात से जो किंग मेनेलस थे उनको इस बात का बहुत बड़ा झटका लगा, उन्हें बहुत बुरा लगा कि वो किस प्रकार से उनको छोड़ के यहां से जा सकती हैं, चली क्यों चली गई। मेनेलस बेग्ड हिज ब्रदर एगामेमनन किंग ऑफ माइसिनियन टू लीड एन आर्मी अगेंस्ट ट्रॉय। तो मेनेलस ने हिज ब्रदर अपने भाई एग्नेमिन से, जो कि राजा था माइसिनिया का, उससे भीख मांगी और कहा कि तुम ट्रॉय के खिलाफ मेरे साथ में आर्मी भेज दो, सैनिक भेज दो, उनसे हम युद्ध करेंगे। एग्नेमिन सेंट मैसेंजर टू ट्रॉय एंड डिमांडेड द रिटर्न ऑफ हेलेन।
तो एग्नेमेन ने एक मैसेज भेजा ट्रॉय को, वहां पे संदेश भेजा और कहा कि तुम हेलन को वापस कर दो। वेन द ट्रोजन रिफ्यूज द ग्रीक सेल टू ट्रॉय एंड डिक्लेयर वॉर ऑफ द ट्रोजन, लेकिन ट्रोजन ने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं उसको विमान नहीं भेजेंगे। द ग्रीक सेल टू ट्रॉय डिसाइड, और उन्होंने क्या किया कि ट्रोजन का वार मैंने की वहां कह दिया कि अब अगर तुम हमें नहीं दोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे, हम युद्ध लड़ा जाएगा। द ट्रोजन फ्लॉक डाउन टू द सी टू डिफेंड देयर सिटी, तो जो ट्रोजन थे ये थे उन्होंने अपने उसको शहर को बचाने के लिए वो सी पर यानी कि समुद्र पर आ गए थे। तो बच्चों आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे लेसन, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका आगे का लेसन पढ़ाऊंगी। आपका होमवर्क क्या होगा, आपका होमवर्क जैसे कि आपको पता है कि आपको क्या करना होता है, इसका डायग्राम बनाना होता है। इस लेसन का आप एक डायग्राम बना लेंगे जो आपको इजी लगे, सुंदर सा अच्छा सा डिजाइन वाला वो कलरफुल आप पिक्चर बना लेंगे, और साथ ही साथ इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं जो आपकी स्पेलिंग बहुत टफ है उनको आप डिफिकल्ट वर्ड्स को लिख लेंगे, साथ ही इसके वर्ड मीनिंग भी लिख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेसन कंप्लीट करवा दूंगी और फिर कुछ आपको एक्सरसाइजेस भी करवा दूंगी। ओके स्टूडेंट्स।